साथियों, आत्मनिर्भर बिहार यहां के हर युवा की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक पक्का रोड मैप है। आत्मनिर्भर बिहार यहां के गांव 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 के सामर्थ्य को पहचान दिलाने का मार्ग है। आत्मनिर्भर बिहार गांवों में उद्यम के, रोजगार के अवसर तैयार करने का अभियान है। आत्मनिर्भर बिहार बिहार के गौरव, बिहार के वैभव को फिर से लौटाने का मिशन है। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर बिहार अभियान से यहां को मोती बटन से जुड़े उद्योगों को और प्रोत्साहन मिलना तय है। देश के हर जिले में जो इस प्रकार के उत्पाद है उनके लिए उद्योगों के क्लस्टर की योजना पर काम चल रहा है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इससे जुड़े उद्योग और उद्यम आत्मनिर्भर चंपारण, आत्मनिर्भर बिहार का अहम हिस्सा है। पूर्वी चंपारण में ही कृषि अनुसंधान केंद्र बन चुका है, यहां डेयरी प्लांट भी लग चुका है जिससे पशुपालकों को लाभ होता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए, टपक सिंचाई, फवारे की सिंचाई के लिए भी बहुत बड़ी मदद दी जाती है। साथियों, मोतिहारी सहित बिहार का एक बड़ा हिस्सा मीठे पानी की मछलियों का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। हाल में देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बिहार की धरती से ही लॉन्च की गई है। मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारों करोड़ रुपयों का निवेश मछली व्यवसाय से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसके तहत सैकड़ों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट बिहार में शुरू किए गए हैं। भाइयों और बहनों, बिहार के क्षेत्र में गन्ना भी देश की आत्मनिर्भरता का और बिहार के युवाओं के रोजगार का एक बड़ा माध्यम बन सकता है। आज पेट्रोल और हवाई ईंधन में गन्ने से बने इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहली बार इसके लिए व्यापक नीति भी बनाई गई है और बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियां इथेनॉल की खरीद कर रही है। यहां भी सगौली चीनी मिल में इथेनॉल बनाने का काम चल रहा है। आने वाले समय में इस प्रकार की दूसरी मिलों के लिए भी अब नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका हमारी बेटियों की है, हमारी माताओं की है, हमारी बहनों की है। इसलिए जीविका दीदियों की भूमिका का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में बिहार की लाखों बहनों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। 2013-14 की तुलना में आज बहन बेटियों के ऐसे स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ऋण में 30 गुना से ज्यादा वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी सबसे ज्यादा ऋण महिला उद्यमों को ही मिल रहा है। महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमियों को, उनके उद्यमों को
ज्यादा से ज्यादा बल मिल रहा है। बेटियों की पढ़ाई से लेकर कमाई के लिए बिहार में हो रहे प्रयासों के कारण ही एनडीए के साथ आज बिहार की हर मां, हर बेटी, हर बहन एक संकल्प के साथ जुड़ी हुई है। इन मातृशक्ति का आशीर्वाद आज एनडीए को विशेष रूप से ताकतवर बना रहा है।